सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से गेट डेटा पे गए, एक्सेल पे गए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका एक सुपर स्टॉक डेटा मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ से ऑर्डर पे गए, इसको मैंने यहाँ से लोड कर लिया। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेटा लोड कर लिया। अब इसके बाद पहले मैं आपको मिनएक्स मैक्स समझाता हूँ, फिर मैं आपको आगे के वाला टास्क समझाऊंगा। स्विच ऑफ है सर। कोई नहीं, मैं बात सुनूंगा, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। या तो इंस्टॉल, या मेघा, मेघा ने भी तो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चलिए, अब जो कंसेप्ट है मेरे सामने, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल ले लिया आपका, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल ले लिया। अच्छा, इस टेबल पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपका, इस टेबल पे मैंने रिप्रेजेंट किया आपका, सबसे पहले सिटी ले लिया। सबसे पहले सिटी एक करेक्टर डेटा है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉलम लिया डेट करके, जो ऑर्डर डेट करके डेटा है, उसके बाद मैंने उस डेट को ले लिया। अच्छा, जैसे डेट पे एंट्री किया तो डेट पे मुझे पूरा डेटा, डेटा का अलग अलग दिखा, तो यहाँ से ऑर्डर डेट पे प्रेस किया, ऑर्डर डेट पे आ गए, तो डेट हायरार्की खत्म हो गया। आपका प्रॉपर एक डेट दिखा है मुझे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने क्या किया, कोई एक न्यूमेरिकल डेटा है, सेल्स ले लिया फिर मैंने यहाँ पे आपको। अब मुझे इन तीनों डेटा में क्या करना है, मैक्स फाइंड करना है। अब देखो, मैक्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डेटा यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, बॉर्डर को ऑन कर दिया। ओके फाइन, अब एक कार्ड ले लो, मैंने छोटा सा एक कार्ड ले लिया, और एक कार्ड पे जाकर के मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा हूँ, डेटा। अब सबसे पहला टास्क ये है कि यहाँ से जाएंगे न्यू मेजर पे, इस पे जाएंगे न्यू मेजर पे, और यहाँ पे यूज करेंगे पहले मैक्स। मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, और यहाँ से कहाँ पे गए, न्यू मेजर पे गए। अच्छा, सबसे पहला टास्क हमारा क्या है आपका विनय, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैक्स लिखा प्रिंस, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, MAX मैक्स किया मैंने, ब्रैकेट किया, और मैक्स पे मैं सबसे पहला कॉलम सिटी ले लिया, CITY सिटी। मुझे इससे क्या आउटपुट मिलेगा आप बताओगे भूमिका, क्या आउटपुट मुझे मिलेगा, मैक्स अगर सिटी लिया है मैंने तो इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आउटपुट, तो ना मैं बता देता हूँ।
अच्छा ये सिटी का मैक्सिमम क्या बताएगा बाबू? सिटी का मैक्सिमम बताएगा, देखो ये कॉलम मेरा सही हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां से मैक्स पे ड्रैग किया और फील्ड पे रख दिया, जिसने मुझे यूमा करके सिटी है वो बता दिया। अच्छा वाई यूमा ही क्यों लिया विनय? ए से जेड के बीच में, अच्छा चेक करो अल्फाबेटिकली चेक करो ना, वाई जो जो है सबसे लास्ट में आएगा आपका, सर। तो यहाँ पे मैंने मैक्स अच्छा लिखा है ना, तो इसीलिए उसने यूमा दिखा दिया आपका। अच्छा लास्ट में जो होगा वो दिखाएगा सर। ठीक मैक्सिमम तो वही है आपका डेटा के अकॉर्डिंग। है ठीक है, समझ गया सर। चलिए अब अगर मैं इसी टेस्ट के कंसेप्ट, अनुसार लास्ट हाँ दिखाएगा। अब मैं इसी कंसेप्ट पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने यूज कर लिया, ये तो मैक्स यूज किया। अच्छा अब बात करते हैं मैक्स, ये तो सिटी पे देखा मैंने ना, हाँ सिटी सर। के बाद बात करते हैं डेट पे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेट पे ऑर्डर डेट पे गया और मैंने इसे रन कर लिया, अब ये क्या करेगा आपका, जो सबसे लास्ट का डेट है ना 30/12/2019 मैक्सिमम डेट, वो इसने शो कर दिया, देख लो आप। यानी लास्ट का शो करेगा सर। मैक्सिमम डेट वही है ना, तो भूमिका, हाँ हाँ सर, बताइए बताइए मेघा। अगर हमें ये देखना हो कि कौन सी, मतलब जब सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सी डेट आई हुई है मैक्सिमम, वो निकालना हो तो तो वो नहीं, वो तो आपका काउंट वाला कंसेप्ट है, आप जो बोल रहे हो ना वो तो काउंट वाला कंसेप्ट है, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपका। ओके हेलो मेघा, यस सर। तो अब कंसेप्ट यहाँ देखना है वो क्या है कि ये मैक्सिमम डेट आया है। एक्सेल में भी आप मैक्स का यूज कर रहे थे क्या? एक्सेल में आपका जो टेक्स्ट डेटा होता है, स्ट्रिंग डेटा होता है, उससे मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रहा था, सर बट मैक्सिमम न्यूमेरिकल को काउंट न्यूमेरिक, बट पावर बी आई में क्या आपका ये टेक्स्ट डेटा पे भी काम करता है, करता ये डेट पे भी है। काम किया है। और दूसरा कंसेप्ट ओके क्या है आपका कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सेल्स, तो सेल्स पे तो बाय डिफॉल्ट लेगा ही लेगा आपका वो ऑर्डर सेल्स मैक्स। बताइए ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक? सर यस सर। यस सर ओके फाइन वेरी गुड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने एक टेबल फैच किया है ऑर्डर का है, तब ये कंडीशन है। लेकिन मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक काम और आपको समझाना है कि ये तो था मैक्स का, अब एक कंडीशन आता है मेरे सामने में, गेट डेटा पे गए, सर, डेट में जब लेगा तो लास्ट डेट बताएगा ना सर। लास्ट मैक्सिमम डेट वही है ना आपका विनय जी। लास्ट मैक्सिमम, हाँ सर वही होगा अब मैं फिर से ना। यहाँ पे क्या किया, एक्सेल पे गया, और एक्सेल पे जाने पे मैं डेस्कटॉप पे गए, और डेस्कटॉप पे मैंने क्या कर दिया, क्लास डेटा पे गए, यहाँ से क्लास डेटा पे हमने क्या कर लिया, एक्सेल डेटाज पे गए, यहाँ से शीट वन पे गया और इसे मैंने लोड कर दिया। मैंने फिर यहाँ भी एक टेबल ले लिया थोड़ा सा, और इस टेबल पे मैं जाके यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से शीट वन पे सिटी, ये सिटी ले लिया, ये यहाँ से नीचे डेट ले लिया, सिटी के बाद क्या ले लिया, डेट ले लिया यहाँ पे डेट। अच्छा डेट के बाद मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ से सिटी पे गए, सॉरी यहाँ से डेट पे गया, और डेट डेट हायरार्की खत्म कर डेट ले लिया, और उसके बाद क्या किया मैंने विनय,
उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, और एक कॉलम और आ रहा है मेरे सामने में इज एक्टिव करके, इज एक्टिव करके मैंने एक कॉलम ले लिया, जो नॉर्मली मैं यही करता हूँ। यहाँ पे गए और यहाँ से मैंने क्या किया आपका बॉर्डर को ऑन कर, ऑफ था ऑन कर दिया। अब यहाँ के बाद मैंने क्या किया कंसेप्ट आपका, यहाँ के बाद मैंने क्या किया विनय, एक कार्ड ले लिया, इसके बाद यहाँ से बाहर निकले और एक कार्ड ले लिया मैंने यहाँ पे। अच्छा अभी आप सबने यहाँ पे क्या देखा है, अगर अभी मैंने आपको यहाँ पे टास्क बताया है, यहाँ पे अभी आपको मैंने क्या क्या टास्क बताया कि मैक्स मैक्स यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा यानी टेक्स्ट डेटा पे भी काम कर रहा है, डेट पे भी कर रहा है, न्यूमेरिक पे भी कर रहा है। हाँ सर, लेकिन लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे शीट वन पे राइट क्लिक किया, यहां से न्यू मेजर पे गए, तो अब यहां पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए एम ए एक्स मैक्स, किसको मैक्स कर रहे हैं, प्रेजेंट मैक्स डाटा इज एक्टिव। शीट वन इज एक्टिव, मैंने ब्रैकेट लगाया और इसे मैंने रन किया, द नेम मैक्स इज ऑलरेडी, अच्छा कह रहा कि इसमें मैक्स यूज हो रहा है ना, टू कर मैक्स दें। मैक्स वन कर देते हैं और इसको रन कर लीजिए। ओके अब मैंने क्या किया यहां से मैक्स वन रख दिया, यहाँ पे देखो मैक्स जो होता है आपका बुलियन डेटा पे भी काम नहीं करता है, मैंने कह रहा आपका पावर बीआई कह रहा है मैक्स आपका बुलियन डेटा पर भी काम नहीं कर रहा है, क्या लिखा हुआ है कैन नॉट वर्क्स विद द बुलियन टाइप बुलियन, द फंक्शन मैक्स कैन नॉट वर्क विद द वैल्यू ऑफ टाइप बुलियन। समझ में आया वसुंधरा इस कंसेप्ट को आपको, आगो यस सर आया। भूमिका आपको मेघा, यस सर। ओके यस सर। अब कंसेप्ट यहाँ पे क्या है ना विनय, कि अगर मान लो कि मैंने ये डेटा लिया, इस पे काम नहीं कर रहा है, अब अगर मैं यही काम सबसे पहले यही टास्क मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ किससे, मैक्स ए के हेल्प से, एक कंडीशन होता है मैक्स ए, मैंने क्या कर दिया मैक्स ए कर दिया और इसे रन किया। आप यहाँ पे देखना कि मैक्स ए फंक्शन जो है इसे रन करेगा, दिखाया वन, हाँ सर, अच्छा इसने वन क्यों दिखाया जरा बताओगे आप, इसने वन क्यों दिखाया है, प्रयोग के लिए ना सर। हाँ क्योंकि देखो बुलियन डेटा में दो ही टाइप का डेटा होता है आपका, ट्रू या बिल्कुल फॉल्स, जीरो या वन, तो इसने चलो या वन फॉल्स को, मैक्स को हाँ है ना सर। ओके तो फॉल्स को जीरो मान रहा है इसीलिए इसने वन यस दिखाया है आपका। प्रिंस ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, हेलो प्रिंस, सर, यस सर, चलिए अंजलि यहां तक समझ में आया आपका, वो हेलो अंजलि, यस सर, यस चलिए सर, ये था मेरे सामने मैक्स का कंसेप्ट, ये किसका कंसेप्ट था मेरे सामने में, मैक्स का कंसेप्ट था आपका मैक्स, और अच्छा मैक्स से सभी टाइप के डेटा पे काम करता है, इवन वो बुलियन डेटा पे भी काम करता है मैक्स आपका, मैक्स आपका इवन बुलियन डेटा पर भी काम करता है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, इसका नाम क्या है, मैक्स ए जो है सभी टाइप के डेटा पे काम करता है, मैक्स भी सभी टाइप के डेटा पे काम करता है एक्सेप्ट बुलियन, बट मैक्स ए वर्क्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, मैक्स ए वर्क्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेप्ट सॉरी इंक्लूडेड बुलियंस। समझ गए किसी यस सर, को कोई क्वेरी यहां तक, ओके चलिए अब आते हैं मैक्स एक्स पे, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैक्स एक्स की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल सा कंडीशन है, जैसे मैंने बोला कि सम पे हम क्या करते हैं, सम पे और सम एक्स पे वी कैन नॉट पुट एनी कंडीशंस, बट विद इन मैक्स मैक्स एक्स वी पुट सम कंडीशंस, जिसको हम फिल्टर बोलते हैं, आपको वहां पे हम क्या कर सकते हैं फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं ना। सो जैसे आपको मैंने बताया था ना, तो अब मैं वही काम यहाँ पे करने वाला हूँ। प्रिंस कैसे करेंगे, लेट सपोज कि वी क्रिएट अ न्यू मेजर हियर, राइट क्लिक गो टू न्यू मेजर,
और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैक्स एक्स मैक्स एक्स। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेबल। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेबल। टेबल नॉर्मली हम देखो नॉर्मली चाहो तो देखो फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये टेबल भी एस एस सीट वन इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्सप्रेशन। किसका मैक्स चाहिए मुझे, मुझे मैक्स चाहिए आपको किसका, सिटी का। मैं सिटी एक बार मैं सिटी पे चेक कर लेता हूँ, क्या मुझे सिटी से मिल रहा है मैक्स, देखते हैं। ओके मैक्स एक्स बना यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर को ऑन कर दिया। मैंने क्या किया, इसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसको हटा दिया, मैक्स एक्स ले लिया मैंने। अब बीच में आप चेक करो, ये ले रहा है डेटा आपका, मैक्स एक्स भी सभी टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है आपका। फॉर एग्जांपल अगर पटना में इसने क्या दिया है, जब मैक्सिमम टाइम्स आया है, नहीं 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 लास्ट में, नहीं नहीं पटना का मतलब जो आप अल्फाबेटिकली चेक करो ए से ए बी सी डी, तो इस डेटा में जो हाँ जो लास्ट का जो मैक्सिमम अल्फाबेट आपका वो आ गया। सेम कंडीशन वो डेट के साथ भी करेगा, सेम कंडीशन वो आपका प्रॉफिट के साथ भी करेगा। लेट सपोज कर लो कि मैं इस मैक्स एक्स पे गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिटी के बदले ले लिया प्रॉफिट, तो फैक्ट है मुझे वो क्या करेगा, प्रॉफिट जो लास्ट में होगा। नहीं नहीं ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका, लास्ट में नहीं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो बता देगा आपको, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मैं यही सेम काम मैं इसके हेल्प से करूं, किसके हेल्प से, फिल्टर के हेल्प से, एलटी या फिल्टर के हेल्प से करूं, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, टेबल। यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, टेबल, यहाँ पे मुझे टेबल। तो टेबल मैंने ले लिया आपका शीट वन, एस एस शीट वन, फिल्टर एक्सप्रेशन मेरे सामने। फिल्टर एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, फिल्टर एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या, मुझे चाहिए आपका आगरा में मैक्सिमम कौन डेटा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, ए सिटी सी आई सिटी इज इक्वल टू डबल कोड में ए जी आर ए आगरा, ब्रैकेट किया कॉमा, और फिर मैंने क्या यहाँ पे यूज किया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पे मैंने क्या ले लिया मैंने आपका प्रॉफिट, पी आर ओ प्रॉफिट। अब क्या होगा कि आगरा में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, देख लो आगरा का मैक्सिमम डेटा ये है आपका। बताओ ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर। सर तो ये बुलियन डाटा पे ये काम करेगा सर, एक बार करके देख लेते हैं सर, एक बार करके देख लेते हैं क्या क्या मैंने, एक बार आपने बोला बुलियन डेटा पे ना, तो फिल्टर हटाते हैं सर। और फिल्टर हटाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया आपका, टेबल में शीट वन ही है मेरे सामने में, शीट वन ही है, एक्सप्रेशन देना है तो एक्सप्रेशन इज एक्टिव मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने इसे रन कर लिया, नहीं कर रहा नहीं लेकिन कर रहा, लेकिन फिर ये काम कैसे करेगा, एक ऑप्शन मेरे सामने और भी आता है, मैक्स मैक्स एक्स और भी है,
मैक्स नहीं, सही, मैक्स एक्स ही लास्ट है, मैक्स वो है नहीं। बताओ समझ में आया सबको ये कंडीशन मैक्स वाला? अच्छा, सर मैक्स पे हमने क्या क्या यूज किया प्रिंस? मैक्स पे मैंने यूज किया मैक्स, मैक्स ए और मैक्स एक्स। तो मैक्स के, एक्स मैक्स क्या करता है? मैक्स सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा एक्सक्लूड बुलियन, बट मैक्स ए सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड बुलियंस। मैक्स एक्स में हम कंडीशन पुट कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मैक्स एक्स का यूज करते हैं आपका। बट मैक्स एक्स भी आपका किसे सपोर्ट नहीं करता है? मैक्स एक्स भी आपका सपोर्ट नहीं करता किसे? बुलियन बुलियन डेटा को। अब मैक्स के बाद में जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो टॉपिक मेरे पास क्या है? मेन। प्रॉफिट मैक्स क्या क्या मैक्स एक्स ना यूरो प्रॉफिट, मैंने ब्रैकेट लगाया और इसे मैंने रन कर दिया, ये मेरे सामने कंडीशन चल गया। अब मैं किसके बारे में डिस्कस करूं? अब मैं सिंपल डिस्कस करता हूं मेन एक्स के बारे में। तो यहां से मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, यहां से न्यू मेजर पे गए, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्स के बाद मीन का। आयन मीन, मीन क्या काम करेगा आपका? एम आयन मीन किया, मैंने ब्रैकेट लगाया, मीन किया और कॉलम नेम सिंपल है। सबसे पहले मैं किसके बारे में डिस्कस करता हूँ? सबसे पहले डिस्कस करता हूँ सिटी पे। सबसे पहले मैंने सिटी पे डिस्कस किया और इसे मैंने यहाँ से रन कर दिया। अब मुझे चेक करना है उस डेटा को, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कंट्रोल सी किया, यहां से कंट्रोल वी किया। अब यहाँ पे क्या करो, मिन लिखा हुआ है, इसे हटाओ यहां से और यहां से मिन को ला करके यहाँ पे रख दो। तो देखो जो डेटा ए से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए इस कंसेप्ट को, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। यस सर। सर ये मेरा क्या था, मीन में दो फील्ड दे रहा है। दो फील्ड कहाँ दे रहा है, एक ही दे तो रहा है आपका, दो क्यों देगा सर आपका मिन में? मीन करिए, मिनी तो किया है ये, नहीं सर देखिए एम में जो लास्ट होगा वो देगा ना सर। नहीं मिन में नहीं आपका जैसे अल्फाबेटिकली, मैं तो सिटी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली में ये वाला सिटी आया आपका, ए से स्टार्ट होगा वही सिटी। बताओ कुछ पूछ रहे थे आप विनय? सर, एक बार वो इक्वल टू मीन ऑर्डर सिटी का जो वो ब्रैकेट बंद किया है वो आप ओपन करिए सर। वहाँ मेरे, हाँ सर एक बार फिर से करिए। ये नेम स्कॉलर, सर वो स्केलेट 2 है, अब वो देखो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हाँ सर वो आपका मैंडेटरी नहीं है ना, स्केलेट 2 में वैल्यू बोल रहा है आपका वो। अच्छा ठीक है सर, हमने सोचा कोई और पैरामीटर डालने के लिए और ज्यादा। ओके तो बताओ यहां तक किसी को कोई क्वेरी है मेन में? अच्छा मेन में, अच्छा नहीं मेन भी आपका सेम क्रिस्टल पे डेटा पे काम करेगा, मेन भी आपको बुलियन डेटा पे काम नहीं करता, मेन भी आपको बुलियन डेटा पे काम नहीं करेगा और सब पे काम करेगा, डेट पे भी काम करेगा मेन। मैंने डेट ले लिया, अब यहाँ पे ऑर्डर्स ने शीट 1 डेट ले लिया, मैंने ब्रैकेट लगाया और इसे मैंने क्या क्या यहाँ पे रन किया। अब आप चेक करो ये मिनिमम डेट आ गया, और अगर मैं यही कंडीशन लेकर के जाऊं किसके साथ, इज एक्टिव के पास, इज एक्टिव आई एस इज एक्टिव, और मैंने इसे क्या किया रन किया,
देख सकते हो ये मेरा इज एक्टिव डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, यानी क्या दिखा रहा है कि बुलियन पे काम नहीं करता है। आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन है सर। सेम अगर मैं बात करूं मैं मिन के बाद, तो मिन ए कर दिया यहाँ पे मैंने, मिन ए किया हाँ, लेकिन मिन ए काम करेगा, मिन ए सिमिलर टू द एक्सेप्ट कर लेगा मैक्स एक्स के तरह, बट यहाँ पे जीरो दिखाया है। क्या दिखाया है? जीरो। क्यों? जीरो ही डेटा है आपका, आपके फॉल्स है ना मिनिमम। अब आपका ये तो मिन था, अब अगर मिन था मैक्स था ये समझ गया, बट एक आता है मिन एक्स, मिन एक्स। अब बात करते हैं किसका, मिन एक्स का। टेबल, टेबल पे मैंने क्या ले लिया, शीट वन, शीट वन। एक्सप्रेशन पे मैंने क्या कर दिया, डेट ले लिया इस पर, डी ए टी डेट, शीट वन डेट, ब्रैकेट किया मैंने और मैंने इसे रन कर दिया। अब जो मिनिमम डेट होगा आपका मेरे सामने में वो डेटा आ जाएगा। देखो ये मेरे पास 1/1/2010 सबसे फर्स्ट डेटा, इसलिए मिनिमम डेटा डेट यही है मेरे सामने में। इस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, इस डेटा के अकॉर्डिंग मिनिमम डेट यही है मेरे सामने में। अच्छा अब यहाँ पे मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ मेन एक्स के साथ, वो कंडीशन क्या है आपका राजन, वो कंडीशन है फिल्टर लगा दो, फिल्टर। अच्छा फिल्टर के बाद मैं टेबल, टेबल मेरे पास क्या, शीट वन ही है, शीट वन। और एक्सप्रेशन क्या, फिल्टर एक्सप्रेशन। तो फिल्टर एक्सप्रेशन पे जाके मैंने क्या कर दिया आपका, फिल्टर एक्सप्रेशन पे मैंने कर दिया आपका क्या, फिल्टर एक्सप्रेशन पे मैंने कर दिया सिटी, सी आई टी वाई सिटी इक्वल टू डबल कोड में दिल्ली, डी ई एल एच ए दिल्ली, डबल कोड बंद कर दिया मैंने, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद किसका, प्रॉफिट का, पी आर ओ शीट वन प्रॉफिट, मैंने ब्रैकेट बंद किया और इसे मैंने क्या किया, रन किया। ओके ये कंसेप्ट सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। नो सर। विनय? हाँ सर समझ में आया। तो ये डिफरेंस था हमारा क्या, मिन के साथ और मैक्स के साथ। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई क्वेरी नहीं होगा। नहीं सर। तो अभी तक हमने आइटरेटर फंक्शन में क्या क्या कर लिया है, अभी तक आइटरेटर फंक्शन में हमने सम एक्स किया, काउंट एक्स किया, मिन एक्स किया और मैक्स एक्स कर लिया। नाउ वी हैव अ लास्ट कंसेप्ट। अब हमारे पास जो लास्ट कंसेप्ट है वो लास्ट कंसेप्ट क्या आपका, लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास इसी कंसेप्ट को लेकर के, वो कंसेप्ट है आपका एवरेज। वो क्या है, एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ से सीट वन पे राइट क्लिक किया, यहाँ से न्यू मेजर पे गए, एवरेज कॉलम नेम। अच्छा सबसे पहले एवरेज किसका निकालते हैं, सिटी का। ये क्या करेगा, ब्रैकेट किया और इसे मैंने रन किया। चलो मेरे सामने एक कॉलम बन के आ तो गया है, इसका थोड़ा रिजल्ट भी चेक करते, इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे हमारे पास। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करने के बाद मैंने क्या कर दिया आपका विनय, यहाँ पे इसे हटा दिया और यहाँ पे सिंपल सा मैं एवरेज को लेके आ गया। सिंपल सा फैक्ट है कि एवरेज जब भी निकलेगा, मेन मैक्स तो निकाल दिया इसने अल्फाबेट के बिहाफ पे या डेट के बिहाफ पे, लेकिन जब भी एवरेज की बात करोगे ना तो एवरेज इज जस्ट लाइक अ सम। एवरेज आपका क्या है, सम के तरह काम करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे काम करेगा आपका एवरेज आपका। और अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊं और अगर मैं यहाँ पे अभी ले लेता हूँ क्या प्रॉफिट, मैंने पी आर ओ शीट वन प्रॉफिट और मैंने ब्रैकेट किया और इसे मैंने रन कर दिया। देखो ये आपके सामने कंडीशन आ गया, एवरेज आ गया मेरे सामने, पूरे डेटा का एवरेज यही है 1 to 6 के इसी डेटा में आपको। अब
अब जो कंडीशन है आपके साथ यहाँ पे इस डेटा के साथ में उसी डेटा के को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या डेट नहीं एक्सेप्ट करेगा ना सर, डेट सर एवरेज है? नहीं सर, मैं करके देख लेते, बट मुझे मुश्किल लग रहा है कि एक्सेप्ट करेगा भी आपका शीट वन डेट। मैंने ब्रैकेट किया और इसे आप रन करके देख लो। फिर कंफर्म हो जाए, न्यूमेरिकल ही लेता है सर। नहीं सर, इसने डेट लिया है आपका, डेट का इसने एवरेज दिखाया है 41 के। ये कैसे दिखा रहा है सर, ये क्या 41 की क्या दिखा रहा है सर? सर बता तो, इसने क्या किया है, जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल डेटा है ना 2001, 2002, 2010, 11, इसने पूरी डेटा को सम किया है। ठीक है, ठीक हाँ है। सर और ये किया उसका होगा। उसने मतलब कि दिक्कत इसके साथ क्या हुआ ना कि सिटी भी दिखा था, बट सिटी में इसको न्यूमेरिकल डेटा दिखा ही नहीं कहीं पे आपको। उस सिटी के बाद न्यूमेरिकल होता दिखा देता था। हाँ अच्छा, अब इसके बाद जो जो कंसेप्ट है आपके साथ, वो कंसेप्ट, ये तो मैंने ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, इस पे भी आ गया एवरेज। अगर मैं बात करूं क्या इजेक्टिव, अच्छा क्या इजेक्टिव पे काम करता है, एक बार देख लेते हैं। इज एक्टिव, मैंने इजेक्टिव पे रन किया इसको और इसको मैंने यहां से एग्जीक्यूट किया। देखो इसने यहाँ पे क्या दिखा है नहीं कि इज एक्टिव पे टास्क बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये इज एक्टिव पे बिल्कुल भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है आपका। आप यहाँ पे इसको व्यू कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज ए का, एवरेज ए कर सकता है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, लेकिन एवरेज है यहाँ पे जिसने जीरो किया, जीरो पता है क्या किया है, इसमें जो सबसे अधिक टाइम रिपीट हुआ होगा ना वो जीरो रिपीट हुआ होगा, फॉल्स, इसीलिए इसने यहाँ पे जीरो दिखाया। देख लो आप लोग एक बार। हेलो, हाँ सर, यस एवरेज ए जो है आपका, एवरेज ए ये किसी भी टाइप के, अच्छा एवरेज ए किसने इजेक्टिव पे काम किया, क्या एवरेज ए जो है सिटी पे काम करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट किया और इसे मैंने रन कर लिया। ये चीज नोटिस करो, एवरेज ए ने क्या किया है ना, भले अभी उसने एक्चुअल डेटा तो दिखाया नहीं, बट ये जीरो दिखा रहा है, विच मीन्स की एवरेज ए जो है, आप एवरेज ए जो है आपका, ये आपका कहीं ना कहीं टेक्स्ट डेटा यानी स्ट्रिंग डेटा पे भी काम करता है आपका। देख सकते हो एक बार आप। पर सही आउटपुट तो सही नहीं दे रहा ना फिर। अब आगरा में क्या, आगरा है तो आपका टेक्स्ट डेटा, उसमें क्या है वो आपको आउटपुट सही दिखाएगा। तो सर हमें एवरेज कभी टैक्स डेटा का निकालना होता है क्या? कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। बट ये, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि देखो आउटपुट तो ये भी नहीं दे रहा, बट ये गलत भी नहीं दिखा रहा आपका, ये भी तो देखिए आप। सर अच्छा, ये एवरेज वाला कंसेप्ट सबका क्लियर है? अब अगर ये एवरेज कंसेप्ट क्लियर है तो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, एवरेज एक्स। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है एवरेज एक्स एक्स। सेम कंडीशन है, टेबल, टेबल पे जाके मैंने क्या कर दिया, शीट वन ले लिया, शीट वन ले लिया और उसके बाद यहाँ पे क्या रहा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पे मैंने किसका एवरेज निकाल दिया, किसी का प्रॉफिट का, पीआरओ। तो फिर शीट वन प्रॉफिट, मैंने ब्रैकेट लिया, इसे मैंने रन कर दिया। अब हम जो कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं, बेसिकली हम वहाँ पे कंडीशन भी पुट कर सकते हैं, तो कंडीशन पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे कंडीशन पुट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आपको फिल्टर फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, फिल्टर का, FILTR फिल्टर। और फिल्टर में हमने टेबल शीट वन कॉमा, मतलब मुझे दिल्ली का एवरेज चाहिए, तो सिटी, CIT वे सिटी इक्वल टू डबल कोट में DELH है दिल्ली कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेशन, PRO
शीट वन प्रॉफिट ब्रैकेट कर और इससे आप क्या करो एग्जीक्यूट करो। देख लो आप लोग यहाँ पे दिल्ली का एवरेज आ गया। अगर मैं सर कोई अदर सिटी लूँ, दिल्ली के बाद ले लूँ मुंबई, दिल्ली के बाद ले लूँ मैं पटना का PAT यानी पटना का, ओके देख सकते हो आप लोग। बताओ किसी को भी कोई क्वेरी है यहाँ तक, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। नो सर। सर जैसे आपने करवाया एग्रीगेट फंक्शन हमारे सम मैक्स मिन होते हैं, और फिर ये सम मैक्स से मिन है, ये कौन से फंक्शन है? ये सब कुछ आपका एग्रीगेट आइटरेटर्स एक्स भी और ए वाले भी। ए वाले भी, तो आप सब इसे प्रैक्टिस कर लोगे। मैं सबसे कह रहा हूँ प्रैक्टिस सब कोई कर लोगे इस फंक्शन को। यस यस सर। मेघा, भूमिका, अंजलि और यस सर कृष्णा इसे प्रैक्टिस कर लेना। कृष्णा यस आप सर भी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिना आपका रैंक एक्स फंक्शन। नेक्स्ट। रैंक एक्स, रैंक एक्स। अच्छा चलिए परसों मिलते हैं आप सबसे। ओके अभी 10:30 से सिक्वल क्लास होगा आपका, भूमिका, मेघा और यस सर।